हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं पास्ता, जिसके लिए हम पास्ता को अच्छे तरीके से उबाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि आज हम जो पास्ता बनाने वाले हैं वो बहुत यूनिक पास्ता होगा, क्योंकि हम इस पास्ते को सगा प्याज के साथ बनाने वाले हैं। सगा प्याज मतलब पत्ते वाली प्याज। तो चलिए हम इसे झटपट बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है और तेल को हमने कढ़ाई में चारों तरफ अच्छे तरीके से फैला लिया है। अब हम इसमें हरी मिर्च और प्याज को डाल के 2 मिनट तक भूनेंगे। देखिए, प्याज को हम 2 मिनट तक भूने हैं। प्याज हमारा अच्छे तरीके से गल गया है। अब हम इसमें टमाटर को डालेंगे और इसे भी 2 मिनट तक भूनेंगे। देखिए, 2 मिनट तक इसे भूनने के बाद टमाटर भी हमारा अच्छे तरीके से गल गया है। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे। पास्ता डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसमें कुछ सूखा मसाला ऐड करेंगे। देखिए, इसमें हम सबसे पहले 1 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे और इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और साथ में हम डालेंगे यहाँ पे पास्ता मसाला। पास्ता मसाला डालने के बाद हम इसमें टेस्ट के अनुकूल नमक ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। 2 मिनट तक हम इसे अच्छे तरीके से भून लिए हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ता डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से चलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम धनिया पत्ता को इसमें अच्छे तरीके से मिला लिए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा पास्ता बनके तैयार है। आपको हमारा पास्ता बनाने का तरीका और हमारी वीडियो कैसी लगी यह कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।